पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रामपुर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में मंच से आजम खान का बिना नाम लिए ही आजम पर खूब सवाल उठाए। उन्होंने यहां कहा कि गरीबों की जमीनें हड़पने वाला नहीं, वो भय का माहौल बनाकर लूटने वाला नहीं। यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी के नाम पर शासन की योजनाओं पर डकैती डालने वाला नहीं, बल्कि सरकार की योजनाओं को दिला सके वो इंसान चुनने का काम करें। रामपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि हमने बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर 2,25,000 सरकारी नौकरियां बिना रिश्वत लिए ही दी हैं। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पैसे लेने का दुस्साहस भी किया तो हमारी सरकार ने उसे जेल भेजने का काम किया है। इसी प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें होती थीं, गरीबों को राशन नहीं मिलता था और आज हमने गरीबों को मशीनों द्वारा राशन देने का काम किया है। बिना भेदभाव के विकास किया गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं अब तक पहुंचाई गई हैं और बिना भेदभाव के योजनाएं आगे भी चलेंगी, लेकिन इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है आपकी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे। ये परिवारवाद, ये जातिवाद, एक मत और मजहब के आधार पर विभाजन की कार्रवाई न केवल विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य में भी बाधक है, उनके विकास में भी बाधक है और इस परिवारवाद की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करिए। यही अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं कि रामपुर को उसकी पहचान दिलाने के लिए आवश्यक है कि रामपुर से चुना गया प्रतिनिधि वास्तव में जनता के बीच का व्यक्ति हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने में परहेज होता हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति से बात करने में परहेज होती हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ कार्य करने में परहेज हो, उन लोगों को सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। आम जन की आवाज के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति, ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ नागरिकों को देने वाला व्यक्ति और ईमानदारी के साथ हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए। यहाँ के गरीबों की जमीनों को हड़पने वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर अराजकता और गुंडागर्दी के नाम पर शासन की योजनाओं को जबरन डकैती डालने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर ले जाकर के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।